हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर मेधा कपूर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हम बचपन से सुनते आए हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड और आज हम इसे एक्सप्लोर करने वाले हैं स्लीप के कॉन्टेक्स्ट में। अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपको याद होगा कि पिछली बार मैंने आपसे बात की थी इफेक्ट्स ऑफ स्लीप डेफिसिट के बारे में। जी हाँ, कि अगर हम कम सोते हैं तो उसका हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है, और आज हम देखने वाले हैं कि अगर हम बहुत ज्यादा सोए तो क्या उसके भी कोई नुकसान है, या स्लीप के केस में द मोर द मेरियर। जानने के लिए एंड तक स्टे ट्यून्ड। एक्सेसिव स्लीप, ज्यादा सोना। इससे पहले कि हम इसके असर के बारे में बात करें, जानते हैं कि ये होती क्या है। तो अगर आपकी एज 18 से 64 के बीच में है और आप रात को 9 घंटे से ज्यादा सोते हैं तो हाँ, आप ज्यादा सो रहे हैं। तो दोस्तों, क्या होता है जबकि हम बहुत ज्यादा सोएं? बहुत कम सोने से क्या होता है ये आप सब जान चुके हैं मेरे पिछले वीडियो में, और बाय चांस मिस हो गई हो तो ये रहा लिंक, इस पे क्लिक करके वीडियो जरूर देखें। तो जब हम ज्यादा सोते हैं इसके हमें फिजिकल और मेंटल दोनों तरह के नुकसान होते हैं। पहले देखते हैं कि इससे हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। तो ऐसा देखा गया है दोस्तों कि अगर हमें डिप्रेशन और एंजाइटी है तो हम ज्यादा सोते हैं, और अगर हम ज्यादा सोते हैं तो डिप्रेशन और एंजाइटी और बढ़ती है। तो जी हाँ, ज्यादा सोने का डिप्रेशन और एंजाइटी से डायरेक्ट रिलेशनशिप है। देखा गया है कि जो लोग बहुत ज्यादा सोते हैं उनमें अल्जाइमर्स बीमारी का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जो बीमारी आपने ब्लैक मूवी में देखी होगी, जी हाँ, उसी बीमारी का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और ऐसा देखा गया है कि बहुत ज्यादा सोने से हम इरिटेबल फील करते हैं, टायर्ड फील करते हैं, लो एनर्जी फील करते हैं, गुस्सा भी ज्यादा आता है, और नई चीजों को सीखने की हमारी एबिलिटी कम हो जाती है। जी हाँ, तो नए टास्क को सीखने की हमारी कैपेबिलिटी कम हो जाती है अगर हम बहुत ज्यादा सोएं तो। तो अब बात करते हैं इसकी हमारी फिजिकल हेल्थ पे इंपैक्ट की। तो जब हम बहुत ज्यादा सोते हैं तो देखा गया है कि हमारा माइग्रेन और बैक एक बढ़ जाता है। हालांकि आपको लगेगा कि अगर दर्द हो रहा है तो ज्यादा सोने से आराम मिलना चाहिए, पर आराम एक ही हद तक अच्छा है। अगर हम बहुत ज्यादा सोएंगे तो उससे हमारा बैक एक और माइग्रेन दोनों बढ़ सकते हैं। लाइफस्टाइल डिजीजेस, जी हाँ, आप जानते हैं वो क्या होती हैं, ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, इन सब का रिस्क स्लीप के साथ बढ़ता है। अगर आप 9 घंटे से ज्यादा सो रहे हैं तो इन सारी बीमारियों का आपका रिस्क बढ़ता चला जा रहा है। बहुत ज्यादा सोना हमारे दिल की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, और देखा गया है कि जो लोग बहुत ज्यादा सोते हैं उनमें हार्ट अटैक्स का और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा भी बहुत ज्यादा सोने से कई तरह की बीमारियां होती हैं जो कि हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब कि हम कितने साल जिएंगे, उसे कम कर देती है। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि कई लोग ऐसा महसूस करते हैं कि वो थके हुए हैं, उनकी सेहत अच्छी नहीं है, इसीलिए वो सोना चाहते हैं। पर क्या बहुत ज्यादा सोने से भी ये सारी बीमारियां होती हैं? तो हम वहीं आ गए अड्डा और मुर्गी पैराडॉक्स से कि पहले कौन आया, पहले बीमारी आई जिसकी वजह से ज्यादा नींद आ रही है, या हम बहुत ज्यादा सोए उसकी वजह से बीमारी पैदा हुई। देखिए, चाहे वजह कुछ भी हो, जवाब यही है कि हमें ओवरस्लीपिंग को कम करना होगा। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए कुछ बड़े सिंपल से नियम हैं जिन्हें कि हम फॉलो कर सकते हैं। सोने के लगभग 1-1.5 घंटे पहले सारी स्क्रीन्स को देखना बंद कर दीजिए। दोपहर के बाद कॉफी मत पीजिए। अपना सोने का और उठने का टाइम रेगुलराइज कीजिए। शुरू में ऐसा करने में आपको मुश्किल आएगी, पर आप इसमें समय के साथ सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो अपना सोने का टाइम और उठने का टाइम आप फिक्स कर लीजिए। इसके अलावा आप एक न्यूट्रिशियस, वेल राउंडेड, बैलेंस्ड डाइट खाइए, जिससे कि आपकी स्लीप अपने आप ऑप्टिमम हो जाएगी। एक्सरसाइज जरूर कीजिए, मेडिटेशन और योग के लिए समय जरूर निकालिए। अगर इस सब के बाद भी आपको लगता है कि आपकी नींद अच्छी नहीं हो पा रही तो उस स्थिति में अपने डॉक्टर से जरूर मिलें और उन्हें अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताएं, क्योंकि ये किसी अंडरलाइन मेडिकल कंडीशन की वजह से भी हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा सो रहे हैं। तो दोस्तों, स्लीप को हल्के में ना लें। कहा जाता है कि रेस्ट इज द बेसिस ऑफ ऑल एक्टिविटी। अगर हम वेल रेस्टेड नहीं होंगे तो हम अपनी एक्टिविटीज भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से स्लीप बहुत कम हो चाहे बहुत ज्यादा हो, दोनों को सीरियसली लीजिए और अपने स्लीप टाइम को सही करने की कोशिश कीजिए।
और इसी नोट पे दोस्तों विश यू अ वेरी गुड नाइट। आई होप कि आप मेरे इन सारे पॉइंट्स को दिमाग में रखेंगे और आज आप बिल्कुल सही समय के लिए सोएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को हिट कीजिए, जिससे कि आपको नई वीडियोज आते ही पता चल जाए कि कुछ नया आया है। और मेरे चैनल के बारे में वर्ड स्प्रेड कीजिए मेरी वीडियो को शेयर करके, जिससे कि आप ही नहीं आपके फ्रेंड्स भी अपने हेल्दियर सेल्फ को पाएं। सो ऑन दैट नोट, बाय बाय एंड सी यू।